गाइस आज हमारे सामने है हुंडई की वेन्यू एंड ये इसका नाइट एडिशन है, ऑल ब्लैक एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं इसमें काफी सारे, एंड देखने में काफी जबरदस्त लग रही है भाई। इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी होने वाली है एंड ब्लैक ब्लैक है सब कुछ। करते हैं इसका पूरा एक वॉक अराउंड एंड जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से पूरी ग्रिल देखने को मिल जाती है। सब कुछ यहाँ पे ब्लैक है, क्रोम ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। यहाँ पे भी आपको सारी चीजें जो इसकी पूरी ग्रिल है ये आपको पूरी की पूरी ब्लैक मिल जाती है। हुंडई का लोगो भी आपको यहाँ पे ब्लैक में ही मिल जाता है जो कि बहुत ही यूनिक चीज लग रही है। यहाँ पे आपको ये हल्का सा कॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है, यहाँ पे ये स्लैब्स दिए गए हैं इस तरीके से। एंड ऊपर यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में आपको सेटअप मिल जाता है, एक हैलोजन में मिल जाता है, हेडलाइट का सेटअप कुछ इस तरीके से है, एलईडी डीआरएल इसमें मिल जाते हैं आपको, यहीं पे आपको हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो लाइट का सेटअप इसका कुछ इस तरीके का है, पूरा ऑल ब्लैक इसमें पूरा ट्रीटमेंट है। नीचे भी यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरी ब्लैक ब्लैक ग्रिल देखने को मिल जाती है। एंड जो इसका नीचे का पूरा लुक है ये बहुत ही अच्छी लग रही है। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर वैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अंदर यहाँ पे कुछ मिलता है, तो अंदर जब चलेंगे तभी आपको मैं बताऊंगा। तो ये था इसका पूरा एक फ्रंट का लुक। फ्रंट में कुछ आपको इस तरीके से ये मिलती है एक्सटीरियर में, और काफी अच्छी एक सोफिस्टिकेटेड सी लुक है इसकी। और जो अब ये ब्लैक कलर है इसमें काफी और ज्यादा निखर के आ रही है, ब्लैक ब्लैक सारा मस्त लग रहा है। अब अगर साइड में चले तो साइड में यहाँ पे थोड़ा कंजेशन है, और साइड में तो इतना ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। बस आपको यहाँ पे जो बॉडी क्लैडिंग दी गई है यहाँ पे एंड स्किड प्लेट्स दी गई है वो पूरी ऑल ब्लैक है। जो टायर का साइज है एक्चुअली ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, उससे छोटे वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको 195/65 R15 15 इंचज़ के आपको यहाँ पे व्हील्स मिल जाते हैं, स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, और ब्लैक बॉडी के साथ पूरी ब्लैक जो इसकी बॉडी क्लैडिंग है काफी अच्छे तरीके से मर्ज हो रही है। पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से बॉडी क्लैडिंग है अगर यहाँ से देखें एंड कहाँ से नहीं। यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, उधर आपको मिल जाता है। एंड पीछे भी यही चीज है, यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, ब्लैक ब्लैक पूरी आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है, एंड इसमें आपको सनरूफ भी दिया गया है। तो रियर साइड का जो पूरा लुक है वो कुछ ऐसा है, आप यहाँ से देख सकते हो काफी जो अपराइट स्टांस है इसका उसके साथ ही आती ही है। अब अगर रियर की बात करें तो रियर में आपको यहाँ पे सबसे पहले नाइट एडिशन का बैज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको वेन्यू लिखा हुआ मिल जाता है, एंड ये डार्क क्रोम है। यहाँ पे जो हुंडई का लोगो है ये भी डार्क क्रोम है, एंड ये भी आपको डार्क में ही मिलता है, एंड काफी अच्छा लग रहा है ये पूरा लोगो। यहाँ पे फ्रंट की तरह यहाँ पे भी आपको ऐसे ही आपको यहाँ पे पूरे ये ट्रीटमेंट मिलते हैं क्रोम कलर के। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके रियर रिफ्लेक्टर, ऊपर आपको मिल जाता है यहाँ पे पूरा इसका एलईडी सेटअप, यहाँ पे आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको डिफोगर भी दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, छोटा सा एक स्पॉइलर कह सकते हो आप इसको, स्पॉइलर जैसा लग तो नहीं रहा है, इतना छोटा है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है। और नीचे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे भी आपको पूरी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है, तो ब्लैक ब्लैक है भाई सब कुछ। 2 पॉइंट में आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक कैमरा भी दिया गया है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड इसकी एक खास चीज़ है वो मैं आपको अभी जब अंदर जाऊँगा तो बताऊँगा। तो पूरा इसका जो फ्रंट का, साइड का एंड रियर का कुछ इस तरीके से लुक है, आप देख भी सकते हो थोड़ा सा यहाँ कंजेशन है, तो कुछ इस तरीके से पूरा इसका लुक मिलता है। एंड बूट स्पेस की बात करें, यहाँ पे आपको इसकी हैलोजन लाइट मिल जाती है, बूट लैम्प मिल जाता है, ये है इसका हैजार्डियस ट्राइंगल, ये है इसके मड फ्लैप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, शायद एडोन एसेसरीज में है। एंड इसके नीचे अगर मैं दिखाऊँ तो नीचे आपको एक स्पेयर टायर मिल जाता है, यहाँ पे इसके टूल्स भी मिल जाते हैं, पूरी टूल किट मिल जाती है, और स्टील व्हील ही है। अब जब टायर्स ही अलॉय नहीं है तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। 60-40 स्प्लिट इसमें आ जाता है, पार्शियल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है, डिफोगर, एंड यहाँ पे इसका ये जो इसको पकड़ के बंद करने का है वो दिया गया है, लेकिन एक बार में थोड़ा सा मुश्किल ही है कि ये बंद हो जाए। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा रियर था। हाँ, यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी दिया गया है, शार्क फिन एंटीना हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर एंड अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका रिक्वेस्ट सेंसर, एंड क्योंकि की मेरे पास है तो मुझे सिर्फ प्रेस करना है एंड ये ओपन हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। की बात ही हो गई तो मैं की आपको दिखा भी देता हूँ, वही जो सेम आपको हुंडई की गाड़ियों में की मिलती है। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है डोर लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर। तो बस कुछ ऐसा ही है। जो इसकी सीट्स हैं वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलता क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, वाइट स्टिचिंग मिल जाती है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, एक ही आपको अप डाउन, ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन,
ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, फाइल वगैरह भी आप अपने आराम से रख सकते हो। एंड ये जो आप डोर हैंडल देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा, ये क्रोम नहीं है, प्लास्टिक ही है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है, जो कलर है, वो थोड़ा सा कॉपरिश ग्रे है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एक पूरा स्पीकर, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्विटर। तो म्यूजिक सिस्टम तो आपको पता ही है, हुंडई कितना अच्छा अपनी गाड़ियों में देता है। तो ये थी पूरी डोर, एंड अब चलते हैं अंदर, करते हैं इसको ऑन, एंड दिखाता हूँ मैं आपको एक एक करके सारी चीजें। तो आपको पूरा स्टीयरिंग तो वही मिल जाता है जो आपको बाकी हुंडई की गाड़ियों में मिल जाता है, फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, एंड यहाँ पे आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको म्यूजिक के, कॉल के, वॉइस के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको टॉपन वेरियंट में क्रूज कंट्रोल मिलेगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे जो ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड छोटी सी यहाँ पे इसके इसको स्क्रीन दी गई है, वहाँ पे आप काफी सारी चीजें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि टिपिकली जो हुंडई की गाड़ियों में आता है, TPMS इसमें आ जाता है। एंड यहाँ पे आपको ये सारे ड्राइव इन्फो वगैरह मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती है ये तो। और यहाँ पे आपको पूरा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टैकोमीटर मिल जाता है, नीचे आपको टेम्परेचर मिल जाता है, सीट बेल्ट्स का वार्निंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, टेम्परेचर मीटर इधर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये आपने किया की गाड़ियों में भी देखा हुआ है, कुछ इस तरीके से पूरा। और स्टेयरिंग की अगर बात करें तो ये हाइट और हाइट सिर्फ हाइट के साथ ही आता है, हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही आता है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पे भी आपको यही वाला ट्रीटमेंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी मिलता है आपको, एंड हुंडई का लोगो बीचों बीच। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन एंड टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन, एंड इधर आपको दिया गया है जो इसके विंडो वॉशर एंड वाइपर है, फ्रंट एंड रियर, खैर रियर में तो है ही नहीं, तो फ्रंट में जो इसके विंडो वॉशर एंड वाइपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा सेटअप है। यहाँ पे भी आपको यही ट्रीटमेंट दिया गया है इस इवेंट्स के साइड में। नीचे यहाँ पे दिखाऊं तो हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको कैमरा व्यू का फंक्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो अब मैं जो कैमरा की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हो गया टिपिकल जो रिवर्स कैमरा होता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है जो कि आपको यहाँ दिया गया है, ये देखिए, ये आप समझ पा रहे हो कैसा ये एंगल है, ये ऊपर से एंगल है, मतलब ऊपर से गाड़ी के ऊपर से नीचे तक कैसे दिख रहा है वैसा। तो नॉर्मली तो हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे शायद वेन्यू में 360 कैमरा का पूरा चांस है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा फीचर है, लेकिन इसको डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे कैमरा के आपको दो एंगल मिल जाते हैं, एक ही कैमरा से कुछ इस तरीके से मिल जाता है ये पूरा, यही मैं चीज आपको तब कह रहा था। तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा का स्विच, यहाँ पे आपको ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, एंड पावर स्टार्ट स्टॉप पुश बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये साइड का पूरा हो गया। ऊपर यहाँ पे दिखाऊं तो ऊपर यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर मिल जाता है, मिरर नहीं मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए माइक। यहाँ पे आए तो ये है इसका छोटा सा प्यारा सा, इसका मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड इसमें वही टिपिकल सारे UI वही है, फीचर्स भी सारे वही है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार्प्ले इसमें वायर्ड है, नॉन वायरलेस नहीं है, मीडिया वगैरह, ब्लूलिंक वगैरह ये सब आपको दी ही जाती है, वॉलेट मोड है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, इनबिल्ट हुंडई का इसमें नेविगेशन आपको दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ये है इसके कुछ मैनुअल टच बटन्स, नेविगेशन का है, मैप का है, मीडिया सेटअप, रेडियो वगैरह है। यहाँ पे आपको इसका जो पार्किंग लाइट है वो मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आ जाता है, एंड नीचे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB-A का, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, एंड एक टाइप सी का ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसमें वायरलेस चार्जिंग है जो कि काफी अच्छी चीज है। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, एंड यहाँ भी पूरी गाड़ी में जहाँ भी ट्रीटमेंट्स है वो सारे इसी कलर के हैं, यहाँ पे भी वही कलर है, यहाँ पे भी वही कलर है, यहाँ पे भी वही कलर है, एंड इवन गाड़ियों की जो स्टिचिंग है, जो सीट्स की स्टिचिंग है, वो भी आपको इसी कलर में मिल जाती है। यहाँ पे आपको की वगैरह रखने की जगह दी गई है, तो आप आराम से यहाँ पे की रख सकते हो। और यहाँ पे आपको ट्विन का फोल्डर मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक, और इसका जो आर्म रेस्ट है वो आपको स्लाइडेबल नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया स्टिचिंग का जो कलर है, एंड ये जो पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस पे, वो आपको ऐसे ही मिलती है। सेमी लेदरेट सीट्स है, ये आपको यहाँ पे फाइबर मिलता है, और सॉरी यहाँ पे आपको फाइबर मतलब कपड़ा मिलता है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ये पूरा लेदर ट्रीटमेंट मिल जाता है, एंड काफी अच्छी सीटिंग की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, बोल्स्टर काफी बड़े हैं, आपको अच्छे तरीके से पकड़ के रखेगी। सीट बेल्ट इसकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है। यहाँ पे आपको एक मिल जाता है ग्रैब हैंडल, एंड इसमें आपको दिया गया है एक इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो सनरूफ के आप मजे उठा सकते हो इस गाड़ी में। पूरा ऑल ब्लैक है, पूरा ही ऑल ब्लैक है, डैशबोर्ड पूरा ब्लैक है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है, सीट्स ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है फ्रंट से, ये भी पूरा ब्लैक, पूरा जो रूफ है इसका वो पूरा ब्लैक, सीट का मतलब हर ही चीज इसमें ब्लैक मिलती है, सीट बेल्ट भी इसमें पूरी ब्लैक है। तो कुछ इस तरीके से ऑटो डिमिंग IRVM इसमें मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ब्लूलिंग का ऑप्शन, SOS का ऑप्शन, एंड जो हुंडई के टिपिकल फीचर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड जो बाहर से आपको एक चीज दिख रही थी वो ये है, वो है ड्यूअल इसमें कैमरा दिया गया है, जो कि आप अभी आप देख भी रहे हो, ये देखिए मेरा फोन यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा,
एंड फ्रंट का वो रहा एंड अंदर का ये रहा, मतलब एक्सटीरियर का ये वाली चीज है एंड इंटीरियर की ये वाली चीज है। तो कुछ इस तरीके से इसमें पूरे, एंड यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स भी मिलते हैं आगे पीछे इसको एडजस्ट करने के, जैसे भी आप करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे पूरा वेबकैम दिया गया है, तो काफी अच्छी चीज है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक्सटीरियर इंटीरियर की लाइट, इंटीरियर केबिन लाइट्स, एंड ये इसके कंट्रोल्स हैं। एंड यहाँ पे मिल जाती है आपको पीछे की रियर केबिन लैंप्स। यहाँ पे आपको कुछ फोन वगैरह रखने की जगह मिल जाती है। एंड ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे आपको मैनुअल जो इसके होते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट वगैरह मिल जाती है, एक स्टिकर मिल जाता है। एंड ये कूल्ड है जो कि काफी अच्छी चीज है, कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें मिलता है। भाई हुंडई फीचर्स काफी अच्छे देता है अपनी गाड़ी में। एंड कुछ इस तरीके से इसका पूरा फ्रंट डैशबोर्ड है, आप देख सकते हो। एंड फ्रंट में तो अब कुछ ऐसा रहा नहीं है, अब चलते हैं इसके रियर में एंड रियर में देखते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है। रियर की अगर आप बात करें तो रियर में आपको कुछ इस तरीके से पूरा सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है। ये मैंने हेयर थोड़ी पीछे कर दी थी, अब मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसमें पूरा रियर में एडजस्टमेंट मिलता है सीट का। तो ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ही है वैसे तो, और मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। और पीछे भी आपको वही पूरे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, एक स्पीकर सेटअप यहाँ मिल जाता है। पीछे आपको कोई ट्विटर नहीं मिलता है, इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है वाइट स्टिचिंग के साथ। वाइट स्टिचिंग सिर्फ यहाँ पे है, मतलब क्योंकि यहाँ पे पूरी वाइट स्टिचिंग दी गई है। एंड जो सीट्स पे है और जो पूरा ट्रीटमेंट है इसमें, वो सारा आपको जो ग्रेइश क्रोम, जो कॉपरिश क्रोम है, उस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद अ हुक, एंड सेम केस दिस साइड नहीं, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पे आपको कोई हुक नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी पूरा वही सेटअप में है। यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड नीचे आपको मिल जाता है यूएसबी टाइप सी के ऑप्शन। दो फोन रखने की जगह यहाँ पे आपको मिलती नहीं है, एंड काफी अच्छा एक हम्प है, लेकिन तीसरा बंदा बैठ सकता है आराम से। एंड जो सीटिंग क्वालिटी है, जो पूरा इसका स्पेस है, स्पेस काफी अच्छा है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो पैरों को सपोर्ट दे रहा है, काफी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है। जो इसका लेगरूम है वो भी डिसेंट है, स्कूप्ड आउट सीट्स है जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा हो गया, वरना यहीं तक था। तो स्कूप्ड आउट सीट्स है इसलिए यहाँ तक हो गया है। एंड यहाँ पे आपको कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है, इधर आपको मैगजीन होल्डर एक मिल जाता है और इधर नहीं मिलता है। लेगरूम डिसेंट है, अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, एंड आप देख सकते हो जो इसका हेडरूम है वो काफी अच्छा है। और मेरी हाइट 6 फीट से ज्यादा है, तब भी मेरा हाथ ये पूरा इस तरीके से रखा हुआ है, तो अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है। एंड इसमें आपको दो रिक्लाइनिंग एंगल मिल जाते हैं सीट्स में, पहला ये है एंड दूसरा ये है। यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है भाई, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। तीनों सीट बेल्ट मिल जाती है, पीछे आपको आईएसएफ इसकी सीट बेल्ट है, एंड ये इसका एक एंगल है एंड दूसरा एंगल आपको ये मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट इसमें आता है। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा रियर है, ऐसे आपको ये पूरी गाड़ी का एक पैकेज मिल जाता है। अब जो इस गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ इस तरीके से इसकी पूरी प्राइसिंग मिलती है आपको। एंड कैसी आपको ये गाड़ी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो अभी मैं यूनिवर्सल हुंडई में हूँ, यूनिवर्सल हुंडई जो नंगली डेयरी नजफगढ़ में है। अगर आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी चाहिए, वेन्यू हो या अलगजार हो या क्रेटा हो, एंड अगर ये भी आपको लेनी है, इसकी रील आपने बहुत ज़्यादा वायरल करवाई थी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ये 3 लाख के डिस्काउंट पे यहाँ पे खड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। अगर आपको कोई सी भी गाड़ी लेनी है, एक्सर भी लेनी है, वेन्यू, i20, i10 कोई भी लेनी है, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक है, सारे लिंक्स है उस पर क्लिक कीजिए एंड अपनी फेवरेट हुंडई गाड़ी अपने घर ले जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।